If I'm what's up, welcome back to the new vlog. तो गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार आज की वीडियो जो है, एक्चुअली व्लॉग नहीं, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं इसके अंदर आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप लोग यूट्यूबर्स हो या कोई भी ऑनलाइन काम करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता था और मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई ये चीज़ें जानने में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो करना इसे लाइक कमेंट शेयर। ऑल दो मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि न्यू यूट्यूबर्स हैं, जिनको बड़ी तंगी होती है यार कि हमारे सब्सक्राइबर ही पूरे हो गए हैं, वॉच टाइम भी पूरा हो गया, हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, लेकिन अब हमारी अर्निंग आएगी किधर से और किस तरह आएगी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, जब आप लोग चैनल बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है कुछ 1000 सब्सक्राइबर होने में, ठीक है, आपका वॉच टाइम कम्प्लीट होने में कुछ टाइम लगता है। तो उसके बाद जो आपको चैनल हो जाता है मोनेटाइज और आ जाता है ग्रीन डॉलर का साइन, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को करना क्या होता है कि अपना एक टारगेट होता है $10 का, उसे करना होता है आप लोगों ने कंप्लीट। तो $10 का टारगेट आप जब तो वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों ने जब कर लिया अपने टारगेट कम्प्लीट, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपका जो है वो अब हो गया है टारगेट कम्प्लीट, मतलब $10 का, और अब आप जो है वो अपना एडसेंस अकाउंट लिंक कर सकते हैं अपने YouTube से। इधर तक बात हो गई क्लियर? पहले आप लोगों ने चैनल मोनेटाइज होना है, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, जो डॉलर्स लिखे हुए होते हैं वो $10 तक हो जाएगी, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं आप, मतलब आप कर सकते हैं अपना एडसेंस अकाउंट आपका बन गया, ठीक है, डन हो गया। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने उसमें पुट करनी होती है एडसेंस अकाउंट में, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नंबर वगैरह और आपका नेम, फुल ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज़ उसके अंदर आपकी करनी होती है अपने पुट। देन सेकेंड थिंग उसके बाद क्या होती है, सेकेंड थिंग उसके बाद ये होती है कि अब आप कहते हैं भाई हमारी पेमेंट निकलेगी कहाँ से, आएगी कहाँ से, हमारा पैसा कहाँ से आएगा रे बाबा, ये तो संकट है रे बाबा, ये कहाँ से आएगा पैसा। ये बड़ी अच्छी बात कही है उस वक्त, आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, मैं आपको बताता हूँ किधर से आएगा, कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, क्योंकि आप उन सब जानता है, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने पूछना है कि भाई हमारे पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए जब आपका $10 का टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा एडसेंस के अंदर, आप लोगों ने करना है अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके अंदर एक सेटिंग होती है पेमेंट इन्फो के अंदर, वहाँ जाकर आपने करनी है एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसके अंदर जो वो एडसेंस है वो आपको एक पिन कोड भेजेगा, ठीक है। जिस तरह पिन कोड होता है ना, मोबाइल का पिन कोड होता है, पर्स का पिन कोड होता है, तो एडसेंस की तरफ से आपको एक लेटर आता है आपके घर के एड्रेस पे, पोस्ट ऑफिस थ्रू आता है, तो वो आपने जो है ना कोड जो है वो पिन जो है वो पुट करना होता है बॉक्स के अंदर एडसेंस के, जहाँ पे वेरिफिकेशन होती है। और इसकी लिमिट होती है कि आप 3 दफ़ा कर सकते हो, पहले होता था कि 3 बार कर लो आप, फिर उसके थ्रू उसके बाद आईडी कार्ड के थ्रू वेरीफाई कर लो, ना हो गया 4 दफ़ा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली बार नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार भी नहीं आया, चौथी बार भी नहीं आया, जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मेरा चारों के चारों बार नहीं आया, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एंड में इस तरह हुआ कि मैंने जो आखिरी स्टेप था उसे कर लिया मैंने आईडी कार्ड के थ्रू अपना वेरीफाई, एडसेंस भी यहाँ तक काम हो गया, मेरा वेरीफाई हो चुका, ठीक है। अब मसला ये था कि अब मैंने जो अपना बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट लिंक करना था अपने वेरीफाइड एडसेंस से, ये बैंक अकाउंट और ये वेरीफाइड मेरा एडसेंस है, इसको लिंक करना था आपस में। मुझे चाहिए था एक कोड जो कहते हैं स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो मैं चला गया बैंक वालों के पास, मैंने कहा यार अपना आप मुझे स्विफ्ट कोड बता दो बस, वही सब मैंने लिंक कर देना और मेरा यूट्यूब आपसे अकाउंट बैंक से लिंक हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं होता, पहले इस तरह होता था कि आप अपना सिंपल अकाउंट जो है वो एडसेंस से लिंक कर दे तो आपके पास पेमेंट आ जाती थी, लेकिन अब जब से अमेजोन वालों का काम हुआ है, थोड़ा सा अकाउंट उनके सस्पेंड हुए हैं, लोगों ने 2-3 नंबर ही करना शुरू किया है, अब हमने एक नया मेथड निकाला है जो कि ये है कि अब आपको जो है करना पड़ेगा अपना अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा फ्रीलैंसिंग वाला, इस काम के लिए यूट्यूब के लिए, जितने भी लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं अमेजोन के लिए, अब से उनका जो है वो अलग से अकाउंट खुल रहा है फ्रीलैंसर्स का। तो मैंने वो अकाउंट खुलवाया, उसमें मैंने कहा यार किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, उन्होंने मुझसे मेरे यूट्यूब स्टूडियो का स्क्रीनशॉट मांगा, ठीक है, और मेरे आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक फोटोकॉपी मांगी, और मेरे यूट्यूब एडसेंस के अंदर जो लास्ट 3 मंथ्स की मेरी अर्निंग थी यूट्यूब की डॉलर के अंदर ट्रांजेक्शन लिखे होते हैं, उन्होंने वो तक मुझसे मांगे,
जो कि मुझे लगा यार इतनी पर्सनल डिटेल मुझे नेवी में चाहिए, लेकिन वो ठीक थे क्योंकि वो काफ़ी लोगों का अकाउंट बना रहे हैं, इस तरह जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में उनका भी अकाउंट बना रहे हैं, तो उनको बात पता थी, उन्होंने मुझे दिखाया कि भाई जिनका हमने अकाउंट बनाया एक्चुअल में तो उनका ये है स्क्रीनशॉट, आप इस तरह में जो मटेरियल। खैर काफ़ी वहाँ पर भी कोई 3-4 घंटे लगे, इनफैक्ट बैंक बंद हो गया था और बैंक के अंदर सिर्फ मैं बैठा हुआ था और मुझे बड़ी शाहाना फीलिंग आ रही थी, समझ रहे हो, अपने ऊपर बड़ा प्राउड हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि भाई देखो बैंक बंद पड़ा है मैं फिर भी बैठा हूँ, भाई वीआईपी प्रोटोकॉल मिला है हमें, वीआईपी का वीआईपी प्रोटोकॉल मिला है बैंक, सही खेल गया बैंक के अंदर। तो खैर यार बैंक बंद हो गया था और फिर भी मैं उसके अंदर बैठा हुआ था, कुछ जो काम थे पेपर वर्क वगैरह डॉक्यूमेंटेशन जो है बायोमेट्रिक जो है वो होना मेरी रह गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ जो है एट लास्ट कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को मैं दो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पिन तो मेरे पास नहीं आया था यार, तुम्हें पता मैंने आईडी कार्ड से वेरीफाई किया, उसके बाद फिर होता है कि भाई जब लिंक करो आप अपने बैंक अकाउंट को, जो बैंक अकाउंट भी आपका बन गया है जो मेरा बन गया है उसको लिंक कराओ आपने एडसेंस से ताकि करो पेमेंट आए, उसके लिए चाहिए थी मुझे चेक बुक, ये देखो तुम लोग तो चेक बुक चाहिए थी मुझे जो कि मुझे मिल गई, जो कि मुझे मिली है, हाँ जो कि मुझे मिली है ये कल, ठीक है कल मुझे चेक बुक मिली, इसके ऊपर जो मेरा कोड था इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर का, ठीक है पैसा ही पैसा होगा तो वो मैंने उसके अंदर पुट किया इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैंक की तरफ से लेटर भी रिसीव हो गया। तो गाइस ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जो लोग बिल्कुल न्यू मतलब यार मैं खुद न्यू हूँ लेकिन मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये दो चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है तो क्यों ना आप लोग बता दूँ आप लोगों के लिए आसानी हो जाए तो इससे अच्छा मिल लिया और क्या होगा। तो थैंक यू सो मच यार, अपनी दुआ में याद रखें और आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों के लिए हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और रमजान आने वाला है तो रोज़े रखें यार, इबादत करें और वीडियो भी लाइक कर दिया करें यार, तुम लोग करते हैं अचानक हमारे को सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।